हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चोपलास किचन। स्वागत करता हूँ आपका दोस्तों एक बार फिर अपने किचन में। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मिंट चटनी। मिंट चटनी जो है रेस्टोरेंट में बहुत ही नए स्टाइल में बनाई जाती है, तो आज मैं वो आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए, और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए आज मैं आपको दो प्रकार की मिंट चटनी बनाकर दिखाऊंगा। एक तो रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी होती है, एक राजस्थानी स्टाइल चटनी है ये। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये इन्ग्रीडियंट्स हैं सारे, इसके एक बार इस पर ज़रा नज़र मार लेते हैं। ये लगभग मैंने पुदीना लिया है, मिंट 50 ग्राम, 100 ग्राम धनिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, 5 से 6 गार्लिक लिए हैं, लहसुन, 4 हरी मिर्च लिए। मैं 3 यूज़ करूँगा, आप चाहे तो 4 यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 कटोरी दही लिए, चाट मसाला है, ये अनारदाना लिया है मैंने पिसा हुआ, भुना हुआ जीरा है, काला नमक है, और जो नमक होता है नॉर्मल वो टेस्ट अनुसार डाल देंगे। तो मैंने अनारदाना जो है इसलिए लिया है, वैसे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अनारदाने से चटनी जो है काफ़ी दिन तक चल जाएगी आपकी, ख़राब नहीं होगी, आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है ये पुदीना जो है ये इसमें डाल देता हूँ। पुदीना इसमें डाल दीजिए, धनिया इसमें डाल दीजिए, दोनों चीज़ें इसमें डाल दीजिए। ये लहसुन इसमें डाल दीजिए, अदरक भी इसमें ऐड कर लीजिए, ये 3 हरी मिर्चें ऐड करी है मैंने इसमें, और साथ में इसमें प्याज भी ऐड कर लेंगे। अब बारी आई इसकी, भुना हुआ जीरा डाल दिया है मैंने इसमें, ये सब साथ में एक साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लगभग 1 चम्मच अनारदाना पाउडर डाला है मैंने, और 1/2 चम्मच काला नमक डाला है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको जो है हम ग्राइंड कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ये मिक्सर जो है मैंने बंद कर दिया अच्छे से। तो फ्रेंड्स चलिए इसे मिक्स ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से, माफ़ कीजिएगा मैंने बटन ही ऑन नहीं करा था। थोड़ा सा कसर है इसमें, ये देखिए थोड़ा सा, अभी इसे और ग्राइंड करेंगे हम। चलिए एक बार फिर से इसे ग्राइंड कर लेते हैं, 2-3 मिनट और कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही
अच्छा पेस्ट बन चुका है, चटनी बन चुकी है और इससे ही हम अपनी दो तरीके की चटनी बनाएंगे इस पेस्ट की मदद से। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, कलर बहुत प्यारा आया। तो चलिए अब क्या करना है, शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, एक बाउल में चटनी लेनी है लगभग 2-2.5 चम्मच। अब इसमें जो है हमने जो दही ली थी उसे, दही को इसमें ऐड कर लेंगे। लगभग 1 कटोरी दही थी हमारी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहे तो विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने जो इसे ऐसे ही मिक्स कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें ऐड करते हैं हम नमक स्वाद अनुसार। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मिंट चटनी तैयार है एक तरीके की। इसे थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देखूंगा। एग्जैक्टली वही फ्लेवर आया है जो रेस्टोरेंट में आता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा, ये थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। लीजिए फ्रेंड्स, मिंट चटनी तैयार है। अब दूसरे तरीके की चटनी मैं बताता हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से भी चटनी बना लेते हैं फटाफट। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे हम जल्दी से। ये इसमें मैंने ऐड कर लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि आप स्वाद अनुसार कभी भी नमक डालिए और अपना इसे किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, फ्रिटर्स के साथ। और ये वाली चटनी जो है आप नॉन वेज के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी, या फिर पनीर टिक्का हो गया, आपके 2-3 जो स्नैक्स हैं उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए, इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। अच्छे से नमक ऐड हो गया है इसमें। थोड़ा सा इसमें भी चाट मसाला ऐड कर दिया मैंने। और इसमें मैंने जो है 1 टीस्पून में पाउडर शुगर ऐड करूंगा। चलिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये राजस्थानी स्टाइल चटनी है, ये पकोड़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। जिस तरीके का फ्लेवर आप चाह रहे थे, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया इसका भी। तो फ्रेंड्स, अब एक काम और कर लेते हैं इसमें। ये तो हमारी हो गई दही की मिंट चटनी, और ये हो गई हमारी, दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेरा कैमरा खराब हो गया था तो अभी मैं ऐसे ही से शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दोनों ही
ये चटनी के तरीके पसंद आए होंगे तो आप इसे बनाइए और खाइए और लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे, बुरी लगे तो डिसलाइक कीजिए, कुछ ना कुछ मतलब कमेंट में ज़रूर रिएक्शन दीजिए अपना। और जब तक के लिए देखते रहिए चोपड़ास किचन। जल्दी मिलता हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।